और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारासात पहुंच चुके हैं। 24 परगना का वो इलाका जहां पर संदेश खाली की ये घटना हुई थी, लेकिन आप लोगों का उत्साह यहां पर देख पा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, वहां पर बच्चों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर देख पा रहे हैं, बारासात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अभिवादन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, मां काली की मूर्ति उन्हें समर्पित की गई है। तो बारासात की ये तस्वीरें, वही इलाका, वही 24 परगना जहां से संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी पीड़ा और अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। और 55 दिन के बाद शाहजहा शेख की गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन आज तक संरक्षण शाहजहा शेख को क्यों मिल रहा है, कई ऐसे सवाल है। लेकिन इंटरनेशनल विमेंस डे से पहले आज तमाम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली की, खासतौर पर क्योंकि संदेश खाली से भी महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं, उनको क्या इस मंच से संदेश देते हैं, क्योंकि लगातार महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मोदी सरकार हो, लगातार काम करती हुई नजर आई है। लेकिन ये तस्वीरें, और आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज सबसे खास यही होगा क्योंकि इस मार्च के महीने में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये वही इलाका, वही संदेश खाली का इलाका जहां की महिलाएं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती हैं। बिल्कुल, और लगातार दूसरी बार एक हफ्ते में, और तीसरी जनसभा उनकी है, साथ ही साथ 9 तारीख को उत्तर बंगाल में भी होंगे प्रधानमंत्री, जहां भी कई करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे उत्तर बंगाल को। और आज जब मंच पर पहुंचे हैं, महिलाओं के साथ ये खास कार्यक्रम है, मंच संचालन करते हुए भी आपको अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की नेता नजर आई होंगी, साथ ही साथ पीएम के ठीक बगल में लॉकेट चैटर्जी बैठी हुई है, बीजेपी की सांसद। तो महिलाओं की सभा में खास महिलाओं को महत्व भी दिया जा रहा है, और फिलहाल मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, उनका स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद अभी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार वो अपनी बात रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जल्दी बोलेंगे, और बोलेंगे क्या, कह सकते हैं कि गरजेंगे, क्योंकि उत्तर 24 परगना की धरती पर हैं। जब पहली बार आए तो संदेश खाली को लेकर के बड़ा हमला किया ममता सरकार पर, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, और आज जब उत्तर 24 परगना की भूमि यहाँ से थोड़ी ही दूर संदेश खाली है, यहाँ पर आए हैं, तो जाहिर है महिलाओं के साथ सभा कर रहे हैं कि संदेश खाली का मुद्दा उठेगा, नारी शक्ति की बात होगी, और जो है प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं संदेश खाली को लेकर के खास तौर पर। बिल्कुल आशिका, यहाँ नारी शक्ति की बात तो होगी, लेकिन संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके भी यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, सीधे प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात यहाँ पर हो सकती है, उसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है जो संदेश खाली की महिलाएं, उनका जनसभा में शामिल ज़रूर होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उनको जो है वो पीएम सिक्योरिटी की वजह से एयरपोर्ट के पास रोक दिया है। अब अगर धीरे धीरे कर वो जनसभा तक पहुंच भी पाए, तब तक संभव है कि जनसभा प्रधानमंत्री की खत्म भी हो जाए। देखिए, अब भी उस तरफ की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो अब भी लोग जा रहे हैं बारासात की तरफ, कोलकाता से इसी रास्ते जो है प्रधानमंत्री गए। अभी देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां आपको जाती हुई नजर आएंगी, और बसों में भर करके भी आपको देखिए, ये एक बस यहाँ पर नजर आ रही है, ये भी भाजपा कार्यकर्ता को लेकर जा रही है उस तरफ। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, संदेश खाली से ये जो महिलाएं पहुंची हैं, निकली तो हैं लेकिन बारासात अब तक पहुंच नहीं पाई हैं। प्रधानमंत्री वहां मंचासीन हो चुके हैं, और क्या कहते हैं, लेकिन महिलाएं पहुंचे ना पहुंचे, संदेश खाली को लेकर के जो संदेश देंगे प्रधानमंत्री वो पूरे प्रदेश के लिए अहम होगा, क्योंकि संदेश खाली बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा कह सकते हैं, उसके बाद अगर कोई मुद्दा है तो भ्रष्टाचार का है, जिसे प्रधानमंत्री बड़े तौर पर उठा रहे हैं मोनिका। और बिल्कुल देखिए आशिका, जिस तरीके से आज विकास की एक और धुरी तय करता हुआ पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमने देखा पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इसी विकास के धुरी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और लोकसभा चुनाव भी होंगे, तो आज एक महत्वपूर्ण संदेश इस मंच से भी जाएगा।
बिल्कुल हजारों करोड़ की परियोजनाएं पिछले एक हफ्ते के बीच में बंगाल को दे चुके हैं और आज तो इतिहास ही रच दिया है जब देश में पहली बार गंगा नदी के नीचे से मेट्रो गुजर रही है। ये उद्घाटन करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री बारासात पहुंचे हैं और क्या संदेश वहां से देते हैं, क्योंकि इन परियोजनाओं के साथ ही लगातार प्रधानमंत्री की जनसभाओं में वो ममता सरकार पर वो आक्रमण कर रहे हैं और बिल्कुल तीखे तेवर में नजर आए हैं प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल खास है, जाहिर है, क्योंकि न सिर्फ हफ्ते में दो बार यहाँ पर आए बल्कि रात्रि विश्राम भी यहीं पर किया है दो बार लगातार। और अब उत्तर बंगाल का दौरा 9 दिन के भीतर ये तीसरा दौरा होगा और ये चौथी जनसभा वहाँ पर होगी, साथ ही साथ सरकारी कार्यक्रम और परियोजनाएं भी पश्चिम बंगाल को दे रहे हैं प्रधानमंत्री। इतिहास आज रच करके अब बारासात आए हैं, यहाँ भी इतिहास ही रचने आए हैं क्योंकि महिलाओं की इतनी बड़ी जनसभा कम ही देखने को मिलती है। मोनिका, बिल्कुल आशिका जैसे जानकारी दे रही है, देखिए चुनाव ठीक सामने है और ऐसे में जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उन्हें चुनाव से ही जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आशिका ये भी बताइएगा कि आखिर बीजेपी को इसका फायदा, प्रधानमंत्री के वहां पर होने का फायदा, अभी संदेश खाली का मुद्दा गर्म है और ऐसे में प्रधानमंत्री आज जब मंच से अपनी बात कहेंगे इसका फायदा वोट के तौर पर किस तरीके से बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए निश्चित तौर पर पूजा इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि संदेश खाली का जो मुद्दा है वो अब सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा गांव पश्चिम बंगाल का, पूरे देश में इस नाम की चर्चा हो गई है और यही मुद्दा प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं। आज भी जाहिर है कि कई बार संदेश खाली का जिक्र होगा, शेख शाहजहां की बात करें जिसे लेकर के अब भी खींचतान चल रही है CID और CBI के बीच में, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और ये मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिस पर ममता सरकार घिरती रही है, कई मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो ये दो बड़े मुद्दे जिसे आगे सशक्ति से उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर है जो भीड़ देखने में आ रही है पिछले दो जनसभाओं में और आज इसे देखते हुए ये लगता है कि ये जाहिर तौर पर वोटों में तब्दील हो सकती है। पूजा और बिल्कुल आशिका, देखिए 2014 में बीजेपी की 2 सीटें, उसके बाद 2 से 18 तक का जो फासला बीजेपी ने ममता सरकार के गढ़ में किया है, आज जो संदेश खाली की महिलाओं को और बंगाल को जाएगा उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद में लगातार इजाफा तो हो ही रहा है, क्योंकि हमने देखा हाल ही में किस तरीके से परिवारवाद को लेकर या उन पर निजी टिप्पणी की गई है, इन मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन और TMC को कितना बड़ा झटका लग सकता है? देखिए महिलाओं की ये जो जनसभा है ना, ये पॉलिटिकल नजर से देखें तो इसलिए भी खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 49% महिला वोटर्स है जिनको साधने की कोशिश ममता बनर्जी लगातार करती है। यही कारण है कि लक्ष्मी भंडार जो महिलाओं को वो 500 रुपए हर महीने देती थी गरीब महिलाओं को, वो उसकी राशि बढ़ा करके 1000 रुपए कर दी ठीक चुनाव के एंड पहले इसकी घोषणा की। अप्रैल महीने से ये बढ़ी हुई राशि लोगों को मिलने लगेगी, साथ ही SC ST महिलाओं के लिए तो 1200 की राशि कर दी गई है महिलाओं को साधने के लिए। तो आज जो मैदान में महिलाओं की भीड़ है उसको देख करके साफ हो रहा है कि महिलाएं बड़े तौर पर उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा है। संदेश खाली जैसी घटना है क्योंकि संदेश खाली ऐसी घटना है जिसने झकझोर कर रख दिया पूरे देश को, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को, तो संदेश खाली की गूंज आज भी सुनाई देगी बारासात के मैदान से। पूजा, बिल्कुल, तो आशिका लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रही हैं और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में मंच पर बोलेंगे भी, वो भी हम दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल और संदेश खाली का इलाका, मैं चाहूंगी आशिका आप दर्शकों को जरा ये समझाइए जिस जगह पर प्रधानमंत्री मौजूद है वोट के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण इलाका है और प्रधानमंत्री के वहां पर होने के क्या मायने हैं? देखिए बिल्कुल उत्तर 24 परगना ये वो जिला है जहां पर की संदेश खाली है, यानी कि महिला वोटर्स एक तरफ साधी जाएंगी, दूसरी तरफ बात करें तो इसी जिले में मतुआ वोटर बहुत बड़ी संख्या में है जो कि बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी, हिंदू रिफ्यूजी कम्युनिटी है जो कि बीजेपी का वोट बैंक रहा है, कोर वोट बैंक रहा है। आज भी बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग प्रधानमंत्री की इस जनसभा में शामिल होने के लिए आए हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं, तो ऐसे में ये साफ है CA की जहां पर बात हो रही है ये जरूर जमीन पर भाजपा के लिए मददगार साबित होगा। यही कारण है कि ये इलाका एक तो संदेश खाली को लेकर के संदेश देना, दूसरी तरफ से मतुआ वोटर बड़ी संख्या में जो इस जिले में है उनको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की भाजपा की तरफ से।